बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले CDS बिपिन रावत की मृत्यु हो गई है। उनके साथ उनकी पत्नी और 11 स्टाफ भी मारे गए हैं। बिपिन रावत के निधन की पुष्टि होने के साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने लिखा, जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूं। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से मैं बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। पीएम ने लिखा, बिपिन रावत ने पूरी निष्ठा के साथ भारत की सेवा की है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। तो राजनाथ सिंह ने शोक जताते हुए लिखा, अचानक उनका जाना सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जनरल रावत ने असाधारण साहस और लगन से देश की सेवा की थी। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों की संयुक्तता की योजना तैयार की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, ये देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमने अपने CDS जनरल बिपिन रावत जी को एक दुर्घटना में खो दिया है। वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी हादसे में बिपिन रावत समेत सभी लोगों की मृत्यु पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है।